नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 13 राजस्थान रॉयल्स को करना होगा कप्तानी में बदलाव। ये भारतीय दावेदार होगा दोस्तों, वो कौन सा खिलाड़ी होगा उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन आप राजस्थान रॉयल्स को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि आईपीएल 2020 के शुरू होने से पहले एक बार की आईपीएल चैंपियन टीम राजस्थान रॉयल्स के सामने संकट गहरा गया है। हालात ये हो गए हैं कि टीम को शुरुआती कुछ मैचों में अपने कप्तान का ही साथ नहीं मिल पाएगा, इसलिए समझा जाता है कि टीम को नया कप्तान चुनना पड़ेगा। राजस्थान रॉयल्स की कमान इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई धाकड़ बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के हाथों में है, लेकिन वे शुरुआती कुछ मैचों में अपनी टीम के साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि तेज गेंदबाज जयदेव उनाडकट को कप्तान बनाया जा सकता है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की ओर से अभी तक इस बारे में आधिकारिक रूप से कोई ऐलान नहीं किया गया है। आईपीएल 13 को लेकर जोरों पर तैयारी जारी है। बीसीसीआई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल भी तैयारी में है और आईपीएल 13 खेलने वाले सभी खिलाड़ी इस वक्त लंबे समय बाद घरों में से निकलकर अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। वही विदेशी खिलाड़ी भी अपने आप को फिट रखने के लिए काम कर रही है। इस बीच टीमों की ओर से यूएई की उड़ान भरने की तैयारी जारी है। अब आईपीएल के शुरू होने में ठीक एक महीने का ही वक्त बाकी है, लेकिन आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले आईपीएल की चैंपियन टीम रही राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सितंबर में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली है। इस दौरान 3 T20 मैच और 3 वनडे मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस बात का ऐलान पिछले ही दिनों कर दिया था और इस 3 वनडे और 3 T20 मैचों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। अब मामला यह फंस गया है कि इस सीरीज का आखिरी वनडे मैच 16 सितंबर को खेला जाएगा, उसके 3 दिन बाद ही आईपीएल 13 शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं, कई टीमों में तो सारा दारोमदार ही इन विदेशी खिलाड़ियों पर होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि 16 सितंबर को सीरीज खत्म करने के अगर 17 या 18 अक्टूबर को यूएई पहुंच भी जाते हैं तो वह पहले मैच में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक बीसीसीआई की ओर से जो नियम तैयार किए गए हैं उसके अनुसार अगर कोई खिलाड़ी बाहर से आता है तो उसे कम से कम 7 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा। दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहता हूँ।